भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई महिलाओं को शायद अब तक ये नहीं पता कि जल्दी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के क्या तरीके हैं। तो आज हम एक एक्सपर्ट से इसी बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम जो है कर सकते हैं, जिससे हम ये ब्रेस्ट कैंसर एक अर्ली स्टेज में पकड़ के हम इसका इलाज अच्छे से कर सकें, और इलाज जो है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का काफी सक्सेसफुल होता है। सो कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करे जा सकते हैं। एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर एक महिला को शुरू कर देना चाहिए, यानी कि खुद के स्तन का परीक्षण 18 साल के बाद हम महीने में एक बार कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, देखने के लिए कि कोई गांठ या किसी प्रकार से कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। सो ये करने से हम ऐसे कई पेनलेस लम्स को पकड़ सकते हैं। नंबर टू, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि 6 महीने में हम एक बार अपने फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर जाना होता है तो उसमें हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 6 महीने में कम से कम एक बार करवाने से हम जो है इस प्रकार से अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। नंबर थ्री, मैमोग्राम एक बहुत ही आवश्यक टूल है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में। 40 साल से 50 साल की उम्र तक दो साल में कम से कम एक बार मैमोग्राम करवाने से, और 50 से 70 साल के बीच की उम्र में सालाना एक बार मैमोग्राम करवाने से ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। अगर हम सब ये करें तो हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड डेथ्स काफी कम कर सकेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर के किसी भी लक्षण को अवॉइड न करें और एक डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करें।